प्रॉब्लम से सोल्यूशन तक एस्ट्रो तक नो योर फेट। जब भगवान शिव ब्याहने जाते हैं तब उसके गण जो शिव का श्रृंगार करते थे, मानस में शिव गणों ने जो भगवान शिव का दुल्हे के रूप में श्रृंगार किया, उसके और संकेत है गणों की श्रृंगार रचना। ये है वैजनाथ, बारों बार ज्योतिर्लिंग का जिक्र शिव को जब श्रृंगार कर रहे गण उसी में आ जाता है। तो आज हम उस स्थान पर हैं। सशील ललाट सुंदर सिर गंगा, सुंदर सिर गंगा ये विश्वनाथ की ओर संकेत था, कल हम कहना भूल गए। और केदार की बात भी इसी श्रृंगार प्रकरण में आती है, वो भी मैं भूल गया। नमामीश मीशान ईशान, आज जिस शिव का श्रृंगार, मैं पहले भी आया तो मैंने निवेदन किया था, मुझे रूपेश ने याद दिलाया कि आपने उस दिन कहा था कि यहाँ का श्रृंगार बहुत, यद्यपि सोमनाथ का श्रृंगार कोई कम नहीं, लेकिन प्रथम स्थान होते हुए भी हम अपना स्थान को पीछे ही रखते हैं, इसीलिए कथा में भी वो पीछे रहा, पाछे पवन तनई सिर नावा, इसलिए हम पीछे रहने के आदती है। तो वो तो है शशिलला सोमेश्वर चंद्रमौली, रुद्राष्टक में भी 12 ज्योतिर्लिंग का संकेत मैंने एक बार दिया था जो गुरु कृपा, और यहाँ भी 12 ज्योतिर्लिंग की ओर संकेत गोस्वामी जी ने किया है। इसमें ये प्रथम पंक्ति है वो यहाँ की है, शायद गोस्वामी जी ने वैद्यनाथ का दर्शन करके लिखी है कि उस दिन मेरा भोला जब ब्याह में गया था तब यही श्रृंगार था। जटामकूट वैद्यनाथ भगवान की शरण में हैं। जितना हो सके सबके लिए किया गया है, अधिक मात्रा में किया गया है, फिर भी इष्टदायक यात्रा समझकर जरा कष्ट सहन कर लेना, क्योंकि कोई भी विरल तत्व को पाने के लिए कष्ट आवश्यक है, कष्ट शर्त है। रेष्ट से पहले बेष्ट कर्म करने की जरूरत है, और बेष्ट कर्म करने के लिए कष्ट तो सहन करना पड़ता है, विश्राम तो तब मिलता है। ये मन का समाधान नहीं है, उसको स्वभाव बनाओ। आप कहेंगे कि हमारा स्वभाव तो जन्म जन्म का है, वो तो है, लेकिन बालक जैसे जन्मता है किसी भी माँ की कुख से, ये अपना ही रूप लेकर आता है, लेकिन कुछ समय के बाद माँ उसका श्रृंगार तो करती है। वैसे मेरी व्यासपीठ, आप अपना अपना स्वभाव लिए आए हैं, स्वागत करते करते भी 9 दिन में आपका श्रृंगार करना, मैं आभूषण पहना रहा, मेरी चौपाइयाँ, मेरी आवाज,
तुम्हारा श्रृंगार है। और आखिर में बिंदी भी कर देता हूँ ताकि मेरे फ्लावर्स को किसी की नज़र न लगे। तो बाप, इराग हमने जहाँ से उठाया वहाँ कौन, जब से हम गा रहे इस बात को, वहाँ यही चौपाई से हमने गाया शुरू किया था। ठीक है, बहुत समय से मैं शंकर पंक्ति का क्या संकेत है? भवानी कहती है मैंने शंकर की कही मानी नहीं, बहुत पछताई, लेकिन चिड़िया चुग गई खेत, बहुत पछताई। और वहां तो शंकर की बात भवानी ने नहीं मानी और पश्चाताप की अग्नि में जलकर भस्म हो गई। ये यज्ञ था पश्चाताप का, ये दक्ष का, जब दक्षता को जब होता है कि हमने चूक की है तब प्रायश्चित के अग्नि में उसको समाहित ही होना पड़ता है। और वो हम सब के लिए शंकर कौन है? भवानी के लिए तो वो शंकर है, हमारा शंकर कौन? वंदे बोधमयम नित्यम गुरु शंकर, हमारा शंकर तो मेरा और आपका जो भी हो, अपना सदगुरु जो बोध रूप है वो शंकर है। और जब हमारे बोध स्वरूप सदगुरु की कही हम नहीं मानते, ये पंक्ति हमारे ऊपर लेना, जैसे मैं ले रहा, वहां तो है ही शिव की बातें सती ने ना मानी, लेकिन हमारे सामने शिव नहीं है और हम सती नहीं है। मैं मुरारी बापू हूं, मेरे सामने शंकर नहीं है, मेरे सामने मेरा दादा है। और मैं यदि इस शंकर की बात न मानूं और अपनी जड़ताएं अपनी मूढ़ताएं उस पर डालूं तो नतीजा तो यही होता है कि प्रायश्चित के योग अग्नि में हमें जलना होता है। और इस चूक को सुधारने के लिए दूसरा जन्म लेना पड़ता है। सती का व्याख्यान ये संकेत कर रहा है, मेरा और आपका ये दायित्व हो कि अपने अपने बुद्ध पुरुष की बातें मानी जाए, हरेक की बात में जरूर बुद्धि लगाना। मैं विचारों से विरोधी आदमी हूं ही नहीं। योग वाशिष्ठ में लिखा है, मैंने बार बार आपको सुनाया है कि मोक्ष के चार दरवाजे हैं, सम संतोष विचार विमल अति सतसंगति ये चारु दृढ़ करूं, जो योग वाशिष्ठ के श्लोक का सीधा निरूपण है। मोक्ष के चार दरवाजे हैं, उसमें एक दरवाजा है समता।
बुद्ध पुरुष सबके प्रति समान होता है, लेकिन एक दूसरे के प्रति हम द्वेष रखने के कारण इल्जाम बुद्ध पुरुष पर लगाते हैं कि ये सम नहीं। हम अपने आप मोक्ष का दरवाजा बंद किए जा रहे हैं, बंद भी हमने किया, लॉक भी हमने लगाया और चाबियां भी हमारी जेब में रख ली। सम, संतोष। कथा सुनने की पार्वती की बहुत पिपासा रही। आपने कहा कि आपकी कथा सुनते सुनते मुझे तृप्ति नहीं हो पाई, मैं कृतार्थ तो हो गई लेकिन प्यास बढ़ गई। ये तो स्वभाव होना ही चाहिए, लेकिन कथा सुनने में प्यास बढ़ी है तो हम आते हैं, लेकिन उसी समय थोड़ी कष्टदायक व्यवस्था हो तो भी संतोष मानना होगा। यद्यपि आपकी कोई शिकायत नहीं, लेकिन मैं आपको आगाह करता क्योंकि अभी हमें 11 अभी कितने दिन 9 दिन निकाल। यद्यपि कोई शिकायत नहीं, मेरा बहुत पूर्व सूत्र है, शिकायत चित्त कभी परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकता। शायद उपकरण प्राप्त कर सकता है, अंतःकरण खो देता है, और अंतःकरण को खोना सबसे बड़ी घाटे की व्यवस्था है। तो हम अपने बुद्ध पुरुष की बातें माने, आप मैं यहां हूं आज व्यासपीठ पर, उसका ये कि मैंने कभी भी त्रिभुवन ये बात को न पढ़ा, कभी भी तुम्हारा मुरारी बापू तुम्हें कहता कभी, और इसका ये फल और फल का रस प्राप्त हुआ है जो मैं अकेला नहीं रखना चाहता, अकेला नहीं पीना चाहता, आप सभी को पिला रहा। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।